हेलो एंड वेलकम टू सनाज हर्ब्स एंड नेचर. सनाज हर्ब्स एंड नेचर में आपका स्वागत है. सो आज का ये जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट आवर इंस्टा ग्लो सीरम. तो हमारा जो इंस्टा ग्लो सीरम है ये एक्चुअली करता क्या है, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है. सो राइट नाउ इफ़ यू सी द फेस इज ऑल क्लियर, कोई मेकअप नहीं है, दिस इज माई बेयर फेस एंड इफ़ यू कैन सी देर इज एन एक्टिव एक्ने ओवर हियर. काफ़ी सारे लोग आकर बोलते हैं कि इंस्टा ग्लो सीरम क्यों यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड की वजह से वो एक्ने रिड्यूस करता है. सेकेंड इसमें हमारा पील है, पील के वजह से ये ग्लो देता है. अब इसको पील सीरम क्यों बुलाते हैं? सो द मेन बेस ओवर हियर इज आवर स्किन सीरम जो हमने इसमें यूज़ किया है अलॉन्ग विथ अदर हर्ब्स. ऑफकोर्स हर्ब्स नहीं रहेंगे तो वो ग्लो नहीं दिखेगा. नो वाई आर वी कॉलिंग दिस अ इंस्टा ग्लो, क्योंकि ये इंस्टेंट ग्लो देता है. एक और चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मेरा एक्ने है यहाँ पे थोड़ा सा मार्क छोड़ा है एक्ने ने, अदरवाइज द फेस इज़ क्वाइट क्लियर. बट दैट इज़ वाई मैंने आज सोचा कि चलो इसका डेमो दिया जाए, क्योंकि दो काम हो जाएंगे मेरे, एक्ने भी दब जाएगा एंड द स्पॉट जो उसने छोड़ा है वो भी कम हो जाएगा. सो आई एम गोना टेक दिस ऑन माई हैंड, मैं हाथ पे लूँगी और इसको हम बंद करके रख देंगे. दिस इज़ वेरी वेरी थिक सीरम और हम इसका एक लेयर लगाएंगे स्किन पे. अगर आपको पूरा लेयर नहीं लगाना है और सिर्फ आपको थोड़े एरियाज कवर करने हैं जहां आपको ज़्यादा लगता है कि यार यहाँ डलनेस बहुत ज़्यादा है, तब भी आप उसको उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. बट आई वुड से यूज़ इट ऑन द होल फेस, क्योंकि फेस को एक अनइवन टोन जो आ जाती है आप अगर नोटिस करो तो एक अनइवन टोन दिखने लग जाता है. तो आप इसको पूरे ही फेस पे अगर यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी. इसको यूज़ कैसे करना है ये तो आप देख रहे हो. अब इसको यूज़ कब करना है, तो आप इसको वीकली 2 times यूज़ करोगे फॉर स्टार्टिंग. जिनके बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं या आपको लगता है कि ज़रा भी चेहरे पे ग्लो नहीं है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो रही है, दैट इज़ व्हेन यू यूज़ दिस पील सीरम. अब पील सीरम को लगा के आपको 20 मिनट्स रखना है. यस 20 मिनट्स, लेट इट जस्ट लेट द स्किन टेक इन ऑल द सीरम एंड ऑल द पील दैट इट हैज़. सो प्लीज़ गिव इट 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के बाद मैं फिर से आऊँगी ये वीडियो कंटिन्यू करने. ओके सो आई एम बैक एंड द सीरम इज स्टिल देयर ऑन माई फेस. मैंने अभी तक निकाला नहीं है बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू कि सूखने के बाद वो कैसे दिखता है. सो इट डज नॉट एक्चुअली ड्राई, बट देन यू विल फील दैट द सीरम इज़ गॉन इन टू योर स्किन. इफ अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे अभी तक पूरा नहीं गया है, बट यहाँ पे पूरा सीरम इज़ गॉन इन टू द स्किन. सो द मेन मोटो ऑफ दिस सीरम, जो मेन काम है इस सीरम का, उसको स्किन में जाना ज़रूरी है ताकि पूरे स्किन में वो एक बार अब्जॉर्ब हो जाए एंड देन इफ़ यू क्लीन इट यू सी योर स्किन अ वेरी वेरी क्लीन, अभी जैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इस सीरम को धोगे, व्हेन द पील सीरम आप जब इसको धोगे द वाटर शुड बी लुकवॉर्म वाटर, कोसा पानी, इफ अगर आपको वो समझ में आए. सो आई एम गोना वाइप इट एंड शो इट टू यू, क्योंकि वीडियोस के लिए जनरली मैं यही करती हूँ. तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू. ओके हियर यू गो, आई एम गोइंग टू वाइप इट एंड देन शो इट टू यू. थोड़ा गीला रखा है मैंने क्योंकि वो पूरा सीरम अच्छे से निकलना चाहिए इसीलिए. अच्छा इसके पहले मैं बताना भूल गई कि जब भी आप पील सीरम लगाओ तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, या कोई भी स्किन केयर रूटीन आप करो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको अपना स्किन प्रेप करना है. प्रेप का मतलब ये कि आपको अपनी स्किन को ठीक से वॉश करना है या क्लेंस करना है. मेक श्योर यू डू दैट स्टेप. इफ़ यू डू नॉट डू इट, जो भी कचरा आपकी स्किन पे स्टिक हुआ है वो आपकी स्किन को फर्दर रुइन कर सकता है. अब आप देखिए मेरी स्किन आपके सामने, अभी जस्ट मैंने पील सीरम यूज़ किया है. यू रिमेंबर दिस मार्क जो मैंने बताया था, थोड़ा सा हल्का हुआ है. फर्स्ट यूज़ है तब भी मुझे काफ़ी मेरी स्किन ब्राइटेंड लगती है, इट लुक्स मोर फ्रेश एंड मोर क्लीन. आई होप आपको ये एक थोड़ा सा क्लियरिटी मिल चुका है कि हम पील सीरम क्यों यूज़ करते हैं. करेक्ट, आपको बताया जाएगा. दैट इज़ हाउ द स्किन नाउ लुक्स. सो दैट्स माई स्किन. I hope you like the video.